How is Kiara Advani's number saved in your phone? Which actor do you consider a friend in the industry? Key. Closest. तो कियारा अडवाणी का नंबर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किस नाम से सेव किया है वो आपको सुनवाएंगे उनकी अपनी जबानी। और इसके अलावा उन्होंने ऑब्सेस्ड होकर इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड में अपनी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा अडवाणी को चुना। गिना फैंस को ये सारी बातें और क्या क्या कहीं वो तमाम चीजें आपको सुनाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चले यहीं पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी के बारे में। तो खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के शो में ये मैनिफेस्ट कर दिया कि वो बहुत जल्द सिद्धार्थ और कियारा आपस में शादी कर लेंगे और उन्होंने बहुत जल्द प्रोजेक्ट भी इकट्ठी एक मूवी न्यू साइन किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं की को यानी कि उनको एक उन दोनों के साथ हम एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ब्राइटर हैप्पियर फ्यूचर देख रहे हैं और इट माइट बी सीम लाइक बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे हम एक दूसरे के साथ क्योंकि कियारा और मैं एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और फैंस को इनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यही लगती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट की कल्चर में रिस्पेक्ट के एलिमेंट में नजर आते हैं। कभी भी छिछोरी हरकतें बाकी तमाम कपल्स की तरह नहीं करते हुए नजर आते हैं। चाहे अनमैरिड हैं लेकिन फिर भी एक हद में एक लिमिट में रहते हैं और हमेशा ही कियारा को ज्यादा सिद्धार्थ मरते हुए देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइनली तौर पर मैनिफेस्ट कर दिया है करण जौहर के शो में और क्या क्या बातें कही वो भी आप सुन सकते हैं। आपको कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बहुत ही खूबसूरत सा कपल कैसे लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।